अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल चिकन 65। और चिकन 65 बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने सबसे पहले चिकन ली हूँ, 1 kg चिकन है जिसको मैंने ये छोटे छोटे पीस में इतने छोटे छोटे आकार में काट दी हूँ। अब मैं आपको आगे बताती हूँ उसके मैंने क्या मसाले पड़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से ली हूँ। और ये राई है, राई हमने आधा चम्मच ली है, जीरा हमने आधा चम्मच ली है, और ये हमने दही लिए है जिसको आधी कटोरी है ये, और इसमें हमें ये लाल मिर्ची पाउडर डालना है और कश्मीरी रेड पाउडर डालना है यानी आधा चम्मच ये डालना है कलर के लिए। और ये मैंने ब्लैक पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर लिए है, काली मिर्च पाउडर लिए हमने, और ये आधा लहसुन का पेस्ट है, ये आधा चम्मच यानी आधी कटोरी है ये। ये तकरीबन ये हाफ 1 kg के हिसाब से ये बराबर है, आप अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से बढ़ा लीजिएगा ये। और ये हमने बारीक बारीक कट कर लिए है लहसुन, और ये 5 से 6 यानी कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता उसमें थोड़ा ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये 65 है, 65 में थोड़ा कड़ी पत्ते का टेस्ट ज्यादा आता है। और ये हरी मिर्ची है जिसको मैंने लंबे लंबे आकार में कट कर दी हूँ। और ये कलर हमें ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, बट कलर से और भी अच्छा टेस्ट आता है यानी और भी लुक अच्छा आता है। और ये कॉर्नफ्लावर ली हूँ मैंने 1 कटोरी, और ये बारीक प्याज यानी प्याज कट करके मैंने रख दी हूँ, बारीक 1 प्याज ये जिसको हमने बारीक कट करके रखे है। और ये हमें ग्रेवी बनाना है, ये मैं चिकन 65 ड्राई ग्रेवी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ये किसान टमाटर केचप ली हूँ। और ये हमने ब्लैक सोया सॉस लिए है, व्हाइट विनेगर लिए और रेड चिली सॉस लिए। अब मैं आपको मैरिनेशन का तरीका बताइए। मैरिनेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा नहीं तो ज्यादा होगा तो इसका टेस्ट खाली नमक में ही आएगा और कुछ नहीं। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिए थे ये हम पूरा ही इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद ये हमने जो दही लिए थे दही को हम पूरा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद ये ब्लैक पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर है ये हमें इतना लेना है, ये रेड फूड कलर, कलर के लिए आपको लेना है तो आप ले सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर भी डाल रहे हैं, हम इतना ही लेंगे, ये हो गया। और ये मैं रेड मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, ये कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर है, ये हो गया 1 चम्मच। और लाल मिर्ची पाउडर तीखे के लिए ये भी 1 चम्मच, ये हो गया, ये हमने लिए। और ये कॉर्नफ्लावर हमने लिए, कॉर्नफ्लावर हम ये पूरा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको हम अच्छे से मिला देंगे, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं डालना है, इसको मिलाकर हमें तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है ताकि जो हमारा मैरिनेशन है अच्छे से पूरा चिकन में कोट हो जाए। देखिए इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिलाइएगा, चम्मच से नहीं, चम्मच से इसको मिलता नहीं है। देखिए गाइस ये हमारा मैरिनेशन हो गया है, इसको हम रख देंगे फ्रीज में 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ताकि मसाले अच्छे से चले जाए इसके अंदर। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए और उसके आगे का तरीका मैं आपको बताती हूँ आगे क्या स्टेप है। देखिए गाइस हमने कढ़ाई में तेल डाल दिए थे, तेल डाल के रख दिए गर्म होने के लिए। अब मैं ये जो मैरिनेट करी थी चिकन ये हमने 1 घंटे से रखे थे फ्रिज में, ये अच्छे से मैरिनेट हो गए है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से क्रिस्पी लाल फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको उसका ग्रेवी जो बनाना है हमें ड्राई ग्रेवी वो मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे, देखिए उसको अच्छा रेड रेड फ्राई करना है, कच्चा फ्राई बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले लेके फ्राई करते जाएंगे। अब मैं इसको क्रिस्पी लाल फ्राई करके निकाल के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का। देखिए गाइस ये हमारे चिकन फ्राई करके रेडी हो गया है, जो हमें चिकन 65 ग्रेवी में भी डालना है। ये मैंने देखिए फ्राई करके निकाल ली, अब मैंने जो ये कढ़ाई में देखिए तेल डाल दी थी, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया। ये लाल तेल इसलिए है जिसमें हमने ये चिकन फ्राई किए थे वही तेल मैंने यहाँ पर यूज़ करी, दूसरा तेल यूज़ नहीं करी, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ चिकन फ्राई यानी चिकन 65 बनाते हैं जब ग्रेवी उसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें ड्राई ग्रेवी होती है, इसलिए थोड़ा ही तेल लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा।
देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो करके इसमें हम राई डाल देंगे। राई और अभी ये जीरा हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये होने के बाद अब हम इसके अंदर ये जो हमने कड़ी पत्ता लिए थे, कड़ी पत्ते हमें इसमें ज़्यादा डालना है। देखिए थोड़ा सा चटनी रखिएगा और ये मिर्ची भी और लहसुन भी हम पूरा डाल देंगे। अभी इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही देखिए पकाना है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है। और ये जो हमारे जो लहसुन है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन ही करना है। जो उसका कच्चा जो टेस्ट है खाली वो चला जाना चाहिए। मैं आगे आपको बताती हूँ, ये जब तक हमारा ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर आगे मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए गाइस ये हमें ज़्यादा नहीं पकाना, देखिए ये हल्का का कच्चा मैं रहना चाहिए। अब ये मैंने जो प्याज कट कट करी थी बारीक इसको हम ऐड करेंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि जो इसका जो कच्चा जो होता है कच्चापन वो थोड़ा निकल जाए। बस तो ब्राउन भी नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा फ्राई करना है। देखिए इसको भी हम अच्छे से पूरा मिला लेंगे, आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसा हमें प्याज चाहिए। देखिए गाइस हमें बस इसी तरीके से प्याज चाहिए थे, हमें ब्राउन नहीं किए। और हाँ अभी मैंने नमक ऐड नहीं करी, क्योंकि नमक इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि हम यहाँ पर सोया सॉस चिली सॉस वगैरह डालने वाले, उसमें ऑलरेडी नमक रहता है। इसलिए पहले आप देख लीजिए, अगर आपको नमक लगे यानी नमक कम है तब अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। ये मैं अभी चिली सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच। ये हो गया चिली सॉस। विनेगर हम लेंगे थोड़ा सा ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये काला नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैक सोया सॉस मैंने ऐड करी थी अभी। देखिए तो अच्छे से पूरा मिला लेना है। मिलाने के बाद और ये विनेगर हमने लिए हैं, ये भी हम थोड़ा सा ढक्कन में ही लेंगे यानी 1 स्पून, क्योंकि हमें खट्टा नहीं करना है। ये हुआ, ये होने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर केचप ऐड करेंगे, वो भी हम 1 चम्मच के हिसाब से ही ऐड करेंगे। बस ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे नहीं तो ये मीठा टेस्ट हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अगर आपको तीखापन चाहिए इसके अंदर तो आप मिर्ची ऐड कर सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह। देखिए अभी ये थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज हुआ है, अभी इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा पकने दीजिए। मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ ताकि जो इसका जो ब्लैकनेस है बिने ब्लैक सोया सॉस की वजह से वो चला जाए। ठीक है अब ये इसका लुक थोड़ा ऊपर आया है, तो ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम जो हमने चिकन फ्राई करे थे अब वो हम पूरा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चिकन 65 ड्राई है। आपको अगर थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैं भी अभी थोड़ा ऐड करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह से रहेगा। ये तो हल्के से स्मूथली ही हमें इसको पूरा मिक्स करना रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन फ्राई किए हैं तो ख़राब ना हो। ठीक है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और नमक भी देख लेंगे कि नमक है या नहीं है। तो पानी हम ज़्यादा नहीं सिर्फ आधा कप ही डालेंगे और नमक भी देख लेंगे कि नमक है या नहीं है। देखिए
उसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आगे का मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ कि ये हमारा चिकन 65 विद ग्रेवी कैसी बनी है। हाँ, अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा चिकन 65 इसी तरीके से बनाया जाता है। और अगर आपको ढाबा टच चाहिए तो आप उसमें कोयले का धुआं दे सकते हैं, पर हम नहीं देंगे क्योंकि हर चीज में कोयले की धुआं नहीं देना है। हमारा हैदराबादी स्टाइल चिकन 65 विद ड्राई बनकर रेडी हो गया है, जो कि बहुत बनाने में बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, जो कि जल्दी बन जाती है। बस को मैरिनेट करने का तरीका बस अलग होता है और बाकी वही सिंपल रेसिपी है। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से बनाकर देखिए और ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और ये हमने हैदराबादी स्टाइल यानी खट्टी दाल बनाया है, जो कि चिकन 65 के साथ खाया जाता है। आप भी सेम इसी मेथड से बनाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।